दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हमारे सुखोई 30M के फाइटर एयरक्राफ्ट को एक मिड लाइफ अपग्रेड की ज़रूरत है, जिसे कि सुपर सुखोई अपग्रेड का नाम दिया गया है। इसके बारे में हम बहुत सारे सालों से सुन रहे हैं कि इस अपग्रेड को रशिया के साथ किया जाएगा, और बाद में ऐसी खबरें आई थी कि इस अपग्रेड को इंडिया खुद भी कर सकता है, लेकिन इसके बाद भी ऐसी कोई भी टाइमलाइन नहीं देखने को मिली थी और ना ही कोई ऐसी खबर आई थी जिससे हमें पता चले कि ये अपग्रेड कब होने वाली है। लेकिन अभी आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये अपग्रेड पहले से ही शुरू हो चुकी है। इसके कुछ कारण हैं जिनके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। अभी हम इस अपग्रेड को एक ही समय पर ना कर धीरे धीरे करने वाले हैं। दोस्तों हाल ही में कुछ सुखोई 30MK फाइटर एयरक्राफ्ट में अपग्रेड्स की गई हैं, जो कि सुपर सुखोई अपग्रेड में भी की जानी थी। ऐसी अपग्रेड्स धीरे धीरे की जा रही हैं और ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स जो सुपर सुखोई अपग्रेड में मिलने थे उनको लेकर भी काम शुरू कर दिया गया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन से मेन सिस्टम्स हैं जो कि इस अपग्रेड में इस एयरक्राफ्ट को मिलने हैं। इससे पहले ऐसी खबरें आई थी कि इंडियन एयरफोर्स नहीं चाहती थी कि इस अपग्रेड में एक नया इंजन इस एयरक्राफ्ट को मिले, लेकिन अभी ऐसी खबरें हैं कि इस एयरक्राफ्ट को एक नया इंजन भी मिलेगा जो कि 125 kN से ज़्यादा पावर वाला होने वाला है। इस एयरक्राफ्ट को एक AES रडार की भी ज़रूरत है, एक नए मिशन कंप्यूटर की ज़रूरत है, एक अपग्रेडेड कॉकपिट की ज़रूरत है, एक रडार वार्निंग रिसीवर की ज़रूरत है, सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर पॉड्स की ज़रूरत है और इंटीग्रेटेड रेडियो कम्युनिकेशन सेट और रेडियो एल्टीमीटर की ज़रूरत है। इन सभी चीज़ों के बारे में अगर हम बात करें तो इनमें से बहुत सारी चीज़ों को पहले से ही कर लिया गया है और बहुत सारी चीज़ें तैयार हैं। अगर इस एयरक्राफ्ट के AES रडार के बारे में बात करें तो जो उत्तम AES रडार डेवलप किया जा रहा है उसी को ही अपस्किल कर एक 1600 TR मॉड्यूल्स वाला रडार इस एयरक्राफ्ट के लिए बनाया जाएगा, जिसके ऊपर काम चल रहा है और ये रडार भी तैयार है। इस रडार का एक स्केलेबल वर्जन तेजस मार्क 2 के लिए बनाया जा रहा है, जिसमें 1000 के करीब TR मॉड्यूल्स होने वाले हैं, और इसी रडार को बड़ा कर एक सुखोई 30MK फाइटर एयरक्राफ्ट में भी लगाया जा सकता है। इस एयरक्राफ्ट के कॉकपिट के बारे में अगर हम बात करें तो वो भी तैयार है। HAL ने ऐसा एक कॉकपिट पहले से ही शोकेस किया है, जिसमें एक 230 mm बाय 305 mm हाई रेजोल्यूशन LCDs हैं, जिसमें मल्टी फंक्शन कंट्रोल पैनल है और एक वाइड हेड अप डिस्प्ले है। इसके लिए जो मल्टी फंक्शन डिस्प्लेस हैं उसे सैमटल और DARE दोनों मिलकर बनाने वाले हैं। इसके साथ ही इस नई अपग्रेड में जो इसे रडार वार्निंग रिसीवर मिलना था वो भी इसे अभी मिल चुका है। DARE द्वारा बनाया गया स्टेट ऑफ द आर्ट डिजिटल रडार वार्निंग रिसीवर DR118 सभी सुखोई 30MK फाइटर एयरक्राफ्ट को मिलने वाला है। इसी सिस्टम को पहले MiG-29 UPG फ्लीट में लगाया गया था और अभी इसी सिस्टम की इंटीग्रेशन हमारे सुखोई 30MK फाइटर एयरक्राफ्ट में भी की जाएगी। इससे पहले इस एयरक्राफ्ट में एक थर्ड जनरेशन का एनालॉग इंडिजिनस रडार वार्निंग रिसीवर लगाया गया था, जिसे कि अभी एक न्यू 6-चैनल डिजिटल रडार वार्निंग रिसीवर के साथ रिप्लेस किया जाएगा, जिससे इसे एक वाइड डायनेमिक रेंज मिलेगी और ज़्यादा बैंडविड्थ मिलेगी। इसके साथ ही इसकी सेंसिटिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। इसी के साथ ही अभी इसके अगर सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर पॉड्स या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के बारे में बात करें तो इसके ऐसे सिस्टम्स के लिए पहले से ही इंडियन कंपनीज को ऑर्डर मिल चुका है और हमारे इंडियन सिस्टम्स ही इसमें इस्तेमाल किए जाएंगे। इससे पहले हमारी सुखोई 30MK फाइटर एयरक्राफ्ट की फ्लीट रशियन SAP-518 पॉड्स के साथ इक्विप्ड है, जिनकी परफॉर्मेंस के बारे में काफ़ी क्रिटिसिज्म किया गया है। इसके साथ ही इसके इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो हमारी अभी जो सुखोई 30MK फाइटर एयरक्राफ्ट की फ्लीट है वो रशियन OLS-30 इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम के साथ इक्विप्ड है, लेकिन अभी HAL और BEL दोनों मिलकर एक इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम इस एयरक्राफ्ट के लिए डेवलप कर रहे हैं, जिसकी रेंज 100 km से ज़्यादा बताई जा रही है। यानी कि इस सिस्टम की मदद से आप बिना रडार का इस्तेमाल किए एक दूसरे एयरक्राफ्ट की गर्मी से ही उस एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसकी मदद से स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी लॉन्ग रेंजेस पर डिटेक्ट किया जा सकेगा। इसके अलावा इंटीग्रेटेड रेडियो कम्युनिकेशन सेट और रेडियो एल्टीमीटर जैसे सिस्टम्स भी HAL के पास पहले से ही अवेलेबल हैं।
इसके साथ ही स्कोई 30 एमके फाइटर एयरक्राफ्ट में इसमें इससे पहले उसकी कैपेबिलिटी को एनहेंस करने के लिए सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स की गई हैं, लेकिन इसके लिए कोई भी डिटेल्स पब्लिक में जारी नहीं की गई थी। लेकिन हम आपको ऐसा बता सकते हैं कि जो अपग्रेड्स की गई थी वो काफ़ी बड़े लेवल की गई थी, क्योंकि इसको चेक करने के लिए इंडियन एयरफोर्स चीफ खुद आकर उसकी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए आए थे। इस नई अपग्रेड के साथ अभी नए इंडिजनस वेपन्स जैसे कि अस्त्र मार्क वन, रुद्रम मार्क वन, अस्त्र मार्क टू और ब्रह्मोस ए मिसाइल को इस एयरक्राफ्ट के साथ इंटीग्रेट किया गया है। इस एयरक्राफ्ट के अपग्रेड इंजन के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें पहले AL-31 इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके नए इंजन को लेकर काफ़ी बातचीत होती रही है। अभी हम या तो साफ्रान के साथ एक जॉइंट वेंचर करेंगे या रोल्स रॉयस के साथ एक जॉइंट वेंचर करेंगे। दोनों ही देशों ने एक बहुत अच्छी ऑफर्स हमें दी हैं। अभी इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर है कि किस कंट्री के साथ पार्टनरशिप की जाती है। हाल ही में एक ऐसी खबर भी आई थी कि एक महीने में साफ्रान के साथ बातचीत पूरी करने का आदेश डिफेंस मिनिस्ट्री ने दिया है, लेकिन इसके बारे में कोई भी पुष्टि नहीं की गई है। ऐसी खबरें हैं कि एक 125 केएन के थ्रस्ट वाला इंजन बनाया जाएगा जो कि स्कोई 30 एमके फाइटर एयरक्राफ्ट में भी लगाया जा सकेगा। एक 125 केएन के थ्रस्ट वाले इंजन के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि इसका थ्रस्ट कम है, लेकिन इसके पीछे लॉजिक ये है कि जो वेस्टर्न इंजन इंडियन एनवायरनमेंट में इस्तेमाल किए जाते हैं तो हमारी हार्श कंडीशंस होने के कारण यहाँ पर उनकी जो परफॉर्मेंस है वो 10% से ज़्यादा कम हो जाती है। लेकिन अगर खुद हमारे द्वारा बनाया गया इंजन इंडियन एनवायरनमेंट में इस्तेमाल किया जाएगा तो वो इंडियन एनवायरनमेंट के हिसाब से ही बनाया गया होगा, तो उसमें जो थ्रस्ट और परफॉर्मेंस लॉस होगा वो नहीं होगा, और एक 125 केएन के थ्रस्ट वाला इंजन भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।